हुंडई भारत के लिए एक बिल्कुल नई एंट्री लेवल एसयूवी तैयार करने के लास्ट स्टेज में है। ये नई एसयूवी इंडियन मार्केट में वेन्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी से नीचे बैठेगी और अगले साल फेस्टिव सीजन के दौरान सेल पर जाने की उम्मीद है। यह नया मॉडल कोडनेम हुंडई AI3, टाटा पंच, रेनॉल्ट टाइगर और निसान मैग्नाइट जैसे एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट एसयूवी को टक्कर देगी। यह एंट्री लेवल एसयूवी 2016 से 2017 तक कई ट्रेल्स का हिस्सा रही है। इसको फाइनली COVID-19 से ठीक पहले हरी झंडी मिली। नई एंट्री लेवल एसयूवी को कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल CUV के रूप में रखा जा रहा है और यह कैस्पर से थोड़ी बड़ी होगी, जो इंटरनेशनली फिलहाल सेल पर है। ये उसी प्लेटफॉर्म का यूज करेगी जो ग्रैंड i10 नियोस और ऑरा कॉम्पैक्ट सेडान का बेस है। AI3 CUV में ग्रैंड i10 और ऑरा वाला 1.2 लीटर पेट्रोल पावर ट्रेन दिखने की संभावना है, लेकिन CNG वेरिएंट पर डिसीजन लिया जाना बाकी है। इसकी कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन चांसेस है कि इसे टाटा पंच के खिलाफ पेश किया जाएगा, जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के इस सब सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। इसका मतलब ये है कि हुंडई की ये CUV अगले फेस्टिव सीजन में 4.5 से 5 लाख रुपए में लॉन्च की जा सकती है।